गजबनी आर्किटेक्चरल अजायबी समो आ ब्रिज छे सुदर्शन सेतु। भारत नो सौथी लांबो 900 करोड़ थी वधुना खर्चे तैयार थयेल केबल स्टेड ब्रिज अने साथे ज ओखा अने बेट द्वारका टापुने जोड़तो हजारों श्रद्धालुओं नी अटूट आस्थानो ब्रिज। सबसे लंबा इस लिहाज से क्योंकि 900 मीटर का हिस्सा जो केबल है उस पर ब्रिज का टिका हुआ है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहले जो लोग भेट द्वारका आते थे ओखा से, तो उनको समुद्र के रास्ते ही आना पड़ता था, नाव से वो यहाँ पर पहुँचते थे और मौसम की खराबी के कारण उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे क्योंकि जब मौसम खराब होता था तो नाव नहीं चलती थी। इसके साथ साथ ही जो भेट द्वारका में जो लोग रहते थे उन्हें भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मेडिकल अगर उनको कोई सुविधा की ज़रूरत होती थी तो मौसम अगर खराब है उस समय उनको मेडिकल की सुविधा नहीं मिल पाती थी। इसी वजह से प्रधानमंत्री से यहाँ के लोगों ने ये मांग की थी कि एक ब्रिज बनना चाहिए जो ओखा से भेट द्वारका को जोड़े। अब ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। 2016 में आ ब्रिज निर्माण की मंजूरी अपाई अने 2017 में 7 ऑक्टोबरे वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी तेनु खातमुहूर्त कर्यु। आजे भक्त अने भगवान ने एक तांतणे बांधतो आ ब्रिज निर्माण थईने तैयार छे, जे 30 थी 40 मिनिटनी बोट मुसाफरीनो समय बचावशे। फोर लेग सिग्नेचर ब्रिज 900 मीटर लॉन्ग सेंट्रल केबल स्टेड मॉड्यूल पर बनेलो छे। ब्रिज नी कुल लंबाई 2320 मीटर, ओखा साइड एप्रोच ब्रिज नी लंबाई 770 मीटर, बेट साइड एप्रोच ब्रिज नी लंबाई 650 मीटर અને 900 મીટર કેબલ સ્ટ્રેટ બ્રિજ। રાહદરીઓ માટે વ્યૂઇંગ ગેલેરીની પણ સુવિધા કરેલી છે। બ્રિજના માર્ગે વાહનો ઉપરાંત ચાલીને સાયકલ ગોલ્ફ કાર્ટ દ્વારા બેટરી ઓપરેટર હશે પણ પસાર થઈ શકાશે। રાહદારીઓ માટે યાત્રિકો માટે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકો અને કોતરણી માનવાની સુવિધા પણ ત્યાં રાખવામાં આવશે। બ્રિજની ખાસિયત એ છે કે અગર આપ દેખે तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा ये ब्रिज है और इसके साथ साथ ही ब्रिज के दोनों तरफ सोलर पैनल लगाए गए हैं ताकि जो लाइट यहाँ से जनरेट होगी उस लाइट को ब्रिज पर लाइट दी जा सके और इसके अलावा ब्रिज के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी जो लाइट है उसकी सप्लाई की जा सके। तो इस लिहाज से इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अत्याधुनिक बनाया गया है और सबसे खास बात यह है कि जो लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु करीब करीब 65 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो भेट द्वारका दर्शन करने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने आते थे उनको अब किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। एक साइड से आने जाने का रास्ता, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ ये विस्तार है। एक समय ऐसा था कि इस गांव में बिजली का प्रॉब्लम रहता था, इस गांव में पानी का प्रॉब्लम रहता था। वो इमरजेंसी केस आए तो अगर मौसम खराब रहेगा, नाव का सेवा बराबर टाइम पे नहीं मिलेगा तो जान का भी खतरा बनता रहेगा। अभी अभी यहाँ पे बेट द्वारका के लोग बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारा बेट द्वारका को आइलैंड टापू नहीं रहेगा, वो भी आज विकसित भारत की ओर से एक कदम पे कदम मिला के आगे बढ़ेगा। देश अने गुजरात नो आ ड्रीम प्रोजेक्ट सुदर्शन सेतु आज रोज वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा जन समर्पित थयो। गुड न्यूज गुजरात माटे द्वारका थी राजू रूपारेलिया नो रिपोर्ट।